देख लो गाइस, पूरा रेगिस्तान है ये रेगिस्तान। हो इतना गर्म हो रखा भाई, आग जलने वाली। देख सकते हैं, बस पंखे के बदौलत रहता है ये। बिजनेस करना मुश्किल है गाइस, इसलिए कह रहा था मैं आप लोगों को। फट गया भाई बिल्कुल। तो क्या खा रहे हो उधर, क्या खा रहे हो? मटर मिल्क। और हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी को एक ब्लॉग में। ये मेरा मिनी ब्लॉग होने वाला है। तो गाइस आज मैं आया हूँ मेयो घाट में अपना नूडल्स लेने के लिए। नूडल्स वहाँ से दूसरे नाला पे पहुँचाने वाला है मेरा दोस्त अमित भाई। तो मैं जाऊँगा नहीं उस तरफ, क्योंकि इस बार से बाइक ले जाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होने वाला है। मेरा बाइक वहाँ पर रख दिया है, मैंने वहाँ पर रख दिया बाइक, आप देख सकते हो वहाँ पर। तो अभी जो ये पानी का जो मौसम था, बारिश का मौसम में बहुत ही ज़्यादा तबाही मचा दिया है। अब यहाँ पे जो नाव घाट वाले, जो पैरी घाट वाले जो रेस्ट करते हैं, यहाँ पे रेस्ट हाउस था, वो सब बहा के ख़त्म हो चुका है। वहाँ तक पहुँच गया अभी, पर आई डोंट नो किस तरफ है उन लोग, मैं वहाँ पे गया नहीं अभी तक। आप देख सकते हो पूरा कुछ अलग ही था इस बार। ये देख सकते हो यहाँ तक, वहाँ तक पूरा पानी था। ये देख सकते हो ये भी पूरा, शायद वहाँ पे तो नहीं पहुँच गया उन लोग। हाँ मैं भी वहाँ पे पहुँच गया उन लोग अभी, हाँ उस तरफ। तो ये रहा गाइस, देख सकते हो आप पूरा तबाही मचा के गया है पूरा। इस बार खतरनाक बारिश बारिश हुआ था ना पूरा, बहुत देर तक पानी भर चुका था, बहुत ही दिक्कत हो रहा था। आप देख सकते हो इस बार ये इस तरफ पूरा पैर भी उखाड़ के वहीं पर ले गया। गाइस अभी जा रहा हूँ मैं उस तरफ, अमित भाई पहुँच चुके हैं वहाँ पे, वो रुक रहा है छोटे बार को कॉल कर रहा है। ले आओ पहले भी जा रहा हूँ, आप देख सकते हो पूरा, आप देख सकते हो ये पूरा खत्म हो चुका है। यहाँ से पानी आ रहा है, पहले यहाँ पे पानी नहीं था। तो इस बार जो पानी बहुत ज़्यादा आया था, पानी सुनामी की तरह पानी आया था गाइस इस साल। बहुत लोग बेघर हो गए इस साल, बहुत ज़्यादा लोग इस साल में बेघर हो गए गाइस। बैग लेके आया हूँ, उसमें लेके जाऊँगा नूडल्स, वो तो अपने कार्टून से लेके आया है, लेकिन कार्टून के साथ बाइक में कैरी करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो बस आप देख लो अपना बिजनेस, ज़्यादा मुश्किल बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है आप लोगों को। बिजनेस इजी नहीं है, बिजनेस इज नॉट इजी टास्क गाइस, मैं आप लोगों को बता दूँ। अगर आप ये सब मुसीबतें, ये सब प्रॉब्लम अगर आप झेल सकते हो, कर सकते हो, तो बिजनेस करना, अदरवाइज बिल्कुल मत करना गाइस। नींद और हराम सब नींद सीन सब हराम हो जाएगा अगर आप नहीं करेंगे। बहुत मुश्किल है था, बार बार वही कह रहा हूँ लोगों को। वो रहा अमित भाई, शायद वो रहा उसका गाड़ी से अभी पहुँच चुका है। अभी देखते हैं कहाँ पे है रुका हुआ है वो, नाव नाव तो कहाँ से पार कर रहा है मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। बहुत दिन के बाद आया हूँ, ये रास्ते रास्ते चले जाता हूँ मैं। बालू चालू है, बालू में भी बाइक चलाना भी बड़ा मुश्किल है। बहुत मुश्किल है सुनो, फांसी था कि बोटे। और जा रहा हूँ मैं पैदल पैदल, इतने गर्मी में, इतने धूप में गाइस, धूप भी बहुत किरकिराती धूप। आप देख तो बादल पूरा क्लीन है, पूरा क्लीन है गाइस, क्लीन। लोग
मजबूर है, छाटा भी नहीं खोल पा रहे, इतना वो आ रहा है, हवा भी आ रहा है। अभी नाव घाट किधर है? कहाँ से यही होगा शायद, ये लोग नहीं तो कहाँ से पार होते, जैसे पार होते हैं। ओह वो देखो, ऐसी स्कूटी से जाना मुश्किल है। ये मिलिट्री मिलिट्री हेलीकॉप्टर है ये। देखो सामने से दिखाई दे रहा है, वाह बहुत ही जबरदस्त। अब यहाँ पे लैंड करेगा शायद, क्योंकि वहाँ पे हवा का जोगा देखने के लिए वो लगाया गया है, वो सामने वो इससे कुछ ऐसे लैंड हो रहा है। वो रहा हवा, देख रहा हवा, ओ हवा देख रहे हो गाइस, हवा ओ ओ रहा, जितने भी बालू सालू था सब साफ कर दिया होगा। वेल गाइस, तो अभी हम लोग मैं अभी यहाँ पे हूँ, तो ये रहा मेरा सामान जो मैं लेने आया था, ये पूरा सामान, इसको मैं वो वहाँ तक बुक के लेके जाना है। गाइस मेरा हालत होने वाला ख़राब बिल्कुल ही ज़्यादा, इसमें बैग में डालूँगा ना ऐसे कार्टून को तो बड़ा मुश्किल है, कार्टून को पकड़ना मुश्किल है, बैग में तो टांगने से हो जाएगा। इसमें देखते हैं सारा क्वान्टिटी आ जाता नहीं आ जाता, मैं इसको एक्सचेंज करूँगा, कार्टन से बैग में डालने पड़ेगा। तो ये है पैरी गार्ड वाले जो यहाँ पे टाइम पास कर रहे हैं, आप देख सकते हो इतना आराम से पत्ते, तीन पत्ते खेल रहे हैं या दस पत्ते खेल रहे हैं इन लोग, क्या ज़िंदगी है इन लोगों का, इन लोगों का भी ख़तरनाक ज़िंदगी है, तीन पत्ते आराम से खेल रहे हैं। तो देखते हैं इस वीडियो में बन रहे ना, थोड़ी देर बाद मैं जाता हूँ, अभी बुक के लेके जा रहा है यार। वो रहा पैरी गार्ड, ये रहा वो वहाँ तक लेकर, वो वहाँ तक आप देख रहे हो वहाँ पर जो दिख रहा है ना, वहाँ तक लेके जाना मुझे बुक के। तो आई एम श्योर पक्का मेरा हालत ख़राब होने वाला ही है, अच्छी क्या होता है। वेल गाइस, तो अभी मैंने यहाँ पे बैग में भर लिया है, इस कार्टन में आए थे मेरे 50 पैकेट्स, अभी इसमें मैंने इसको पे यहीं छोड़ दूँगा। और ये इसमें कुछ आया, ये भी काफ़ी भारी है, और इसमें तो भारी है ही, ये तो भारी है, ये काफ़ी भारी हो चुका है सभी दोनों बैग। आई दोनों अभी मैं कैसे लेके जाने वाला हूँ, अच्छी बहुत ज़्यादा गर्मी हो रहा है, और वहाँ तक पहुँचाना, फिर उसके बाद वहाँ से फिर बैग तक पहुँचाना, लाइक बहुत ही चैलेंजिंग होने वाला है गाइस। ओ देखते हैं अभी दाइन तो कैसे पहुँचता हूँ मैं, वीडियो में बने रहे लगा इस। कल गाइस अभी हम लोग जा रहे हैं वापस, ये फेरी घाट वाले कार चलाते हुए ये पार हो रहे हैं काफ़ी तेज़ी से। यहाँ पे भी एक है, ओ ओ नीचे तो काम चल रहा है ना, क्या कर रहे हैं उन लोग, माल उठा रहे हैं। ये एक नाला है आगे की तरफ, बड़ा वाला नाला है, ठीक है गैस। तो गैस अभी हम लोग मेरा बैग लेके जा रहा है अरुण और हम दोनों बहुत भारी है ये वाला चीज़, बैग बहुत भारी है, अकेला होता तो दिमाग ख़राब हो जाता, लेके भी नहीं जा सकता था अगर अरुण भाई हेल्प नहीं करेगा तो। बहुत बढ़िया है, अभी इन लोग भी खाना खाने के लिए जा रहे हैं, तो इन लोग भी खाना खाने के लिए जा रहे हैं, तो मैं तो वहाँ जाके मेरा बाइक तो बिल्कुल धूप में रखा है मैंने, गर्म हो गया। तो इन लोग भी आ रहे हैं अभी, ये कौन का ये पता नहीं पार हुआ है, इन लोग स्कूटी के साथ आ रहे हैं इन लोग, तो अभी तो कहाँ लंच टाइम में ये लोग, इसको तो मैं जानता हूँ इसको, वैसे धूप में ऐसा ही कुछ होता है, बिजनेस करना मुश्किल है, इसलिए कह रहा था मैं आप लोगों को। फट गया भाई बिल्कुल गर्मी बहुत।
ये आप देख लो स्कूटियां भी वहाँ पे रख के, उन लोग आप लोग वहाँ पे छाया में बैठ जाओ ना स्कूट। हाँ ये तो मुश्किल हो जाएगा आप लोग का ना, इतना गर्मी में कैसे रहेगा। अभी कुछ भी मत करो, अरुण अरुण रहने दे अभी, ठंडा होने से ठीक है ठीक है। हाँ पानी घुस गया होगा प्लग में। ओ वो थको ना तरह के भगत तीन जने भगत जी जने तेरे पार हो एक ना मी पूरा मेकानिक मार दी कि भी हो जाबो, कॉल करी कि नहीं आ जाबो को ना को ना। सामने है तो सामने है, मैकेनिक बुला के भी हो सकता है आराम से। तो ठीक है अभी हम लोग का ले के जाते हैं गाइस, ये भी इतना भारी है। पानी नहीं दो, पानी पानी तक तक रो 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 रो, मैं पानी दे देता हूँ, पानी इसमें रखा है मैंने। ओ ये न जागी ए ए फानी ने दे दे आई को पानी लेके, ए ये फानी दे कमाई फानी दे नो बोतल ए ए ये न जागी हम इधर होते ए ओके ओके चलो अभी हम लोग भी जा रहे हैं गाइस। इतना धूप में इतना देर तक रहने के लिए दारा गिर जाएगा भाई, माता का माता सर दर्द करके। हो देख लो गाइस पूरा रेगिस्तान है ये रेगिस्तान, हो इतना गर्म हो रखा भाई, आग जलने वाले, हो देख सकते हो गाइस। अभी ये सबसे बड़ा वाला नाला है, अभी हम लोग ये द्वारा वाला नाला पार कर रहे हैं, आप देख सकते हो ये ओ हो गया पानी भर रहा है क्या वो, अब देख सकते हो पीने का पानी भर रहा है ऊपर ऊपर से, क्योंकि ऊपर ऊपर बालू नहीं आता है ना, नीचे नीचे बालू आ रहा है तो इसलिए पीने का पानी यहाँ से जुगाड़ कर रहा है। ओह धूप भी बहुत ज्यादा है गाइस, धूप भी बहुत ज्यादा है। गाइस अभी मैंने अपने नूडल्स को बाइक में लोड कर चुका हूँ, ये आप देख सकते हो बाइक में लोड कर दिया मैंने, तो अभी चलते हैं। फिर बहुत ज़्यादा धूप हो रहा है यार, हम मैं सुबह 8 या 9 बजे करीब आया था, अभी 12 पार हो चुका है। तो गाइस अभी चलता हूँ, अभी डायरेक्ट जाके आपको मेरा रेस्टोरेंट मिलता हूँ। ठीक है गाइस बाय, देख सकते हो मेरा दोस्त है अभी लद्दाख में और मैं यहाँ पे दायन में, तो से हाय से हाय। तो मोबाइल में ब्लॉगिंग चल रहा है गाइस, ये उसी ने पैसे दिया है आइसक्रीम का पैसा लद्दाख से ही भाई के लिए, सबसे महंगा वाला खाने के लिए बोला है यहाँ पे, लेकिन सबसे महंगा वाला 60 रुपीज का है यहाँ पे। तो आप देख सकते हो मैं यहाँ पे कैफे में बैठा हूँ, आइसक्रीम खा रहा हूँ, भाई ने तो दिया पैसे, ये भाई भाई लोगों का प्यार है आप देख सकते हो। तो वो क्या खा रहे हो उधर, क्या खा रहे हो? मटर मिल्क और पूरी और रोटी तंदूरी रोटी रोटी आप देख सकते हो। हाँ और ये मेरा ख़त्म हो चुका है आइसक्रीम। ठीक है गाइस थैंक यू गाइस, मैं मेवो से पहुँच के काफ़ी टाइम हो चुका है, एक्चुअली मेरा फ़ोन का हो गया था बैटरी डाउन, स्विच ऑफ हो गया, तो अभी मैं कर नहीं पाया था फ्लिसिंग्स। तो गाइस अभी मैं दाइन अपने रेस्टोरेंट के सामने पहुंच चुका हूँ, देख सकते हो। तो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग माई ब्लॉग, सी यू नेक्स्ट ब्लॉग, बाय बाय, तब तक अच्छे रहिए और अपना ख्याल रखिए।